अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम एन डेरिवेटिव तो मालूम करेंगे करेंगी टू द पावर एक्स का हमारे पास फंक्शन है ई टू द पावर एक्स इसका सबसे पहले हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो मालूम करेंगे इसके बाद सेकंड डेरिवेटिव तो मालूम करेंगे इसके बाद थर्ड डेरिवेटिव तो मालूम करेंगे और इस फार्मूला को जनरलाइज़ करके एन डेरिवेटिव तो मालूम करेंगे हमारे पास लिट वाई इज ईक्ल टू ई टू द ए एक्स ये हमारे पास फंक्शन है डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द फॉर एक्स वाई का डिरावेटिव है डी वाई बाई डी एक्स इसको हम वाई डेश भी लिख सकते है इसको हम वाई वन भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू ई का डिरावेटिव है ई टू द फॉर ए एक्स का डिरावेटिव है ई टू द फॉर एक्स अगेन डिरावेटिव हम मालूम करेंगे ई e की पावर का यानी ए एक्स का वाई वन इज इक्वल टू ई टू द फॉर ए एक्स और ए एक्स का डरावेटिव है ए तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं ए टू द फॉर ए एक्स अब इसको अगेन डिफ्रेंशियट कर लेते हैं डिफ्रेंशियटिंग विद रिस्पेक्ट टू

और ए एक्स का डेरिवेटिव है ए मल्टीप्लाइड बाय ए इसे बनेगा ए स्क्वेयर ई टू द फॉर ए एक्स डिफ्रेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी by डी एक्स ऑफ वाई टू इक्वल टू डी by डी एक्स ऑफ ए स्क्वेयर इन टू ई टू द फॉर ए एक्स वाई टू का डेरिवेटिव है वाई थ्री ए स्क्वेयर कॉन्स्टेंट है मल्टीप्लिकेशन में है अपनी जगह पर आ जाएगा और ई टू द फोर एक्स का डरावेटिव है ई टू द फोर एक्स अगेन डरावेटिव हम मालूम करेंगे ई e की पावर का यानी ए एक्स का दिस इज इक्वल टू ए स्क्र ई टू द फॉर एक्स और एक्स का डरावेटिव है ए मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वेयर इससे बनेगा ए क्यूब इन टू ई टू द फोर एक्स अब देखिए वाई थ्री को देखिए जब हमारे पास डेरिवेटिव नंबर वन है वाई वन है तो ए का पावर वन और है और ई टू रा फॉर एक्स है जब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वाई टू तो ए का पावर टू है और ई टू राफॉर एक्स मौजूद है या फिर वाई थ्री में ए का पावर थ्री है और ई टू रा फॉर एक्स है सो वाई एन इज इक्वल टू एन डरावेटिव क्या होगा जब ये हो। थर्ड डेरिवेटिव है तो ए का पावर थ्री है सेकंड डरावेटिव है ए का पावर टू है इसी तरह एनथ डरावेटिव में ए का पावर क्या होगा इन होगा थर्ड डरावेटिव में ई टू द पावर एक्स मौजूद है सेकंड डिरावेटिव में ई टू द पावर एक्स मौजूद है इसी तरह एन डरावेटिव में भी ई टू द पावर एक्स मौजूद होगा ये हमारे पास इस फंक्शन का एनथ डरावेट है अगर हमसे ये कहा जाए कि आप इस फंक्शन का टेंथ डरावेट मालूम करें फिफ्थ डरावेटिव मालूम करें जो भी डरावेट हमसे अगर हमें कहा जाए कि ये डरावेट मालूम करें तो हम सबसे पहले इनड डरावेट मालूम करेंगे और फिर की जगह वह वो विल फुट करके रिक्वायर्ड डरावेट जो है हम आसानी से मालूम कर सकते हैं ये था हमारा आज का लेक्चर जो हमने ई टू द फोर एक्स का एनड डरावेट मालूम किया इन शा लेक्चर्स में मुख्तलि किस्म की फंक्शन की एनड डरावेटो जो है वह मैं मालूम करूँगा शुक्रिया uh,